नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और भाई, मैंने साल्विया का प्लांट कटाई छटाई कर दी है इसकी। इसके फूल अब ड्राई हो गए थे और बस इनकी भी सफाई सी कर दी थी। अब देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। तो जैसे ही आप साफ सफाई करते हो, प्रूनिंग करते हो प्लांट की, ज़्यादा बर्ड्स बनती हैं, ज़्यादा फूल खिलते हैं। और दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो भी ऐसे ही प्लांट के ऊपर है, गर्मियों के प्लांट के ऊपर, क्योंकि अब ये प्लांट तो अभी जाने वाले हैं। इन सब के ऊपर हम वीडियो शेयर कर चुके हैं और अब हमें गर्मियों के पौधे लगाने हैं ताकि हमारे गर्मियों के गार्डन में भी फूलों की कोई कमी ना रहे। तो आज का पौधा है दोस्तों, चलते हैं, मेरे पास वो बहुत दिन से रखा हुआ है और मैं जान के आपको उस प्लांट के पास ले जा रही हूँ ताकि आपको पता लगे। अगर कुछ दिन आपने पौधे को रखना है ना, तो इस तरह से रखा करो लाके। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हम प्लांट ले आते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता उसे लगाने का। तो ये देखो मैंने कहाँ रख रखा है, इस टब में रख रखा है। और इसी तरीके से दोस्तों, नर्सरी में कच्चे एरिए में पौधे पड़े रहते हैं तो हमें इतने फ्रेश लगते हैं वो। तो इसी तरीके से हमने ऐसी जगह पे पौधा रखना, चाहे कोई बड़ा गमला हो, उसकी मट्टी में आप रख दो पौधा ला के, है ना। इस तरह से मैंने यहाँ पे रख दिया कच्चे से एरिए में, जैसे कि वहां थे। तो अब इसे लगाते हैं। इस गमले में लगा हुआ है भाई कड़ी पत्ते का प्लांट और ये है अकेला और इसको चाहिए एक साथी और इसमें जगह भी है। तो इसमें हम लगाएंगे ये लेंटाना का प्लांट, जिसको कि राइमुनिया भी बोलते हैं और बहुत सुंदर फूल आते हैं। और ये कड़ी पत्ता मैंने आपको लगा के दिखाया था कुछ दिन पहले कि कैसे लगाना है। और इसके यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची हुई है, थोड़ी क्या, बहुत सारी बची हुई है। तो यहाँ लगा देंगे हम लेंटाना का। और लेंटाना का प्लांट दोस्तों ऐसा है, इस पूरे गमले को कवर कर लेगा। और जब मैं नर्सरी से लाई हूँ प्लांट को दोस्तों, तो आपको लग रहा है कितने अच्छे भी नहीं है वो, है ना। वो तो ऐसे ही रखे रखते हैं, ना कोई काट छाट करते हैं, नहीं तो सिर्फ सेल करना होता है प्लांट को। लेकिन हम इसे अब बहुत अच्छी तरीके से लगाएंगे और उसी तरीके से आपने लगाने हैं ताकि उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा हो और बहुत जल्दी से वो आपके इस पूरे के पूरे गमले को कवर कर ले। और वो रिजल्ट मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं आपको लगाना सिखा देती हूँ कि कटाई छटाई के बाद। अरे ये ट्राली जा रही है बाहर से, कितना शोर आ गया एकदम, है ना। चलो एक मिनट इसको जा ही लेने देते हैं, बस गई। तो देखो, या तो दोस्तों आप इतना गहरा गड्ढा खोद दो जितना कि आपका प्लांट उस थैली में लग के आया है, या फिर अगर आपको लगता है कि उसकी रूट बाउंड हो चुकी है तो आपको उसको खोलना बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि रूट बाउंड अगर हो गई है तो फिर वो मट्टी में नहीं फैलती, वो ऐसी गोल गोल घूमती रहती है। तो अगर आप रूट्स को खोल देते हो ना, फिर वो मट्टी में फैलना शुरू हो जाती है। तो अभी पोलोथीन उतार के देखेंगे क्या कंडीशन है उसकी। तो गड्ढा तो खुद गया अपना और अब उस पोलोथीन में से अपना प्लांट भी निकाल लेते हैं। और दोस्तों अब ये तो आप देख ही रहे हो वीडियो, दोस्तों ये इतना सुंदर प्लांट है, बिल्कुल रफ एंड टफ प्लांट है। थोड़ी सी केयर बस इतनी मांगता है ये, ना तो इसको ज़्यादा पानी अच्छा लगता है ना कम पानी अच्छा लगता है। अब आप कहोगे ये कैसा प्लांट है भाई, तो भी इसको थोड़ी सी ड्रेनेज वाली सोयल पसंद है, लेकिन पानी आपसे डेली मांगेगा। और पानी इसको ऐसा चाहिए बस इसके पास से गुजरता हुआ चला जाए। अगर इस पौधे में पानी रुक गया आपका, तो आपका पौधा खराब। ये बस आपने थोड़ा सा सोच के लगाना है। और बिल्कुल इसको फुली सनी लोकेशन में आप रख सकते हैं, इम्पार्शियल सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन ऐसी सनलाइट में आपको रखना है ताकि इस पर सूरज की रोशनी डायरेक्टली पड़े थोड़ी सी। तो ये देखो, ये है इसकी मेन रूट, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन इसकी रूट्स को हम खोल देते हैं क्योंकि चारों तरफ से इसकी रूट बंद की है। ये देखो खुल भी नहीं रही है, चारों तरफ से गोल गोल घूम रही है। और इसको अभी हमें खोलना है। और बिल्कुल इस वक्त आप किसी भी प्लांट की अगर रूट प्रूनिंग करना चाहते हो, या इस तरह से आपका रूट्स का बाउल बन गया है, आपको लग रहा है गमले में अब ये ग्रो नहीं कर रहा और ये मट्टी भी ऊपर उठ चुकी है इसकी, तो इस टाइम बिल्कुल परफेक्ट मौसम है भाई मार्च का, आप बिल्कुल कर सकते हो। तो देखो इसकी मेन रूट को मैं नहीं छेड़ रही हूँ, लेकिन नीचे वाले इसकी रूट खोल रही हूँ, और टूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो गोल वाली जो बड़ी रूट थी वो हटा दी मैंने, परे कर दी, और ये सारी की सारी नीचे से इसकी रूट हटा देती हूँ। तो इस तरीके से भी आप प्लांट लगा सकते हो। अगर आपकी रूट बाउंड नहीं है तो यूं की यूं थैली हटाओ, गड्ढा खोदो, उसमें प्लांट को रख दो हल्का हल्का सा खोल के, मट्टी हटा के। और इस तरह से रूट बाउंड है तो आप रूट प्रूनिंग करके भी मेन रूट को बचाते हुए प्लांट लगा सकते हो।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैसा प्लांट है ये। और दोस्तों इस गमले की सोयल इतनी बढ़िया है, कंपोस्ट वगैरह सब मिली हुई है, गोबर की खाद वगैरह सब मिली हुई है। तो अगर आपके पास ये प्लांट लगा हुआ है और आपको लग रहा है कि ये ग्रो नहीं कर रहा या लैगी सा हो गया है, तो बस भाई इसकी हल्की हल्की प्रूनिंग कर दो, फिर वहां से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी और आपका गमला पूरी तरह से भर जाएगा। वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में मैंने भी अपने जो पहले के प्लांट लगे हुए हैं उनकी प्रूनिंग कर दी थी हल्की हल्की, और अब इतने सुंदर प्लांट हो गए हैं वो। मेरे घर वाले तो बहुत अच्छे हैं, अभी इसको भी हम ऐसे ही बना देते हैं जैसे कि वो वाला है। तो इसकी बस मैं ये फालतू फालतू की ब्रांचेस हटा देती हूँ ताकि एक बढ़िया सी शेप में आ जाए, और जो सूखी हुई डंडियां हैं वो भी हटा देते हैं इसकी। और अब नेक्स्ट बात, अगर इस पौधे पे आपके फूल लगे हुए आए हुए हैं तो उनको भी आप हटा दो, ताकि जितनी इसकी रूट बढ़िया फैलेंगी ना, जितनी और नई नई ब्रांचेस निकलेंगी उतना ही आपका प्लांट और ज्यादा फैलेगा, नहीं तो फिर ये एक सिंगल डंडी सी रह जाएगी, है ना, ना ये देखने में अच्छी लगेगी। और दोस्तों ये बिल्कुल बुशी प्लांट है, आप ये समझ लो इतना बढ़िया और गमले को घेरने वाला प्लांट है ये, कि अगर इसकी हमने बढ़िया से केयर की ना और कटाई छटाई रेगुलर करते रहे, तो बस ये इससे सुंदर प्लांट नहीं है गर्मियों का। तो ये देखो फूल फाल से वाले ना मैंने सारे हटा दिए हैं, और जो फूल आके भी इस पे सूख गए होंगे वो सब हटा दिए हैं। और दूसरा जो इसकी पत्तियां मैंने हटाई है ना, उनको भी मैं वेस्ट नहीं करूंगी, उनको भी इस मल्चिंग की तरीके से इस गमले पे डाल दूंगी। तो देख तो आप यही प्लांट रहे हो, लेकिन किसी भी प्लांट को लगाओ दोस्तों इसी तरीके से लगाया करो। अगर आप कटाई छटाई भी करते हो ना, अगर उसकी लीव्स अच्छी हैं, देखो रोज वगैरह की तो कई बार हमें डर लगता है फंगस ना लग जाए, है ना, लेकिन अगर और कोई पौधा आप लगा रहे हो ना और आपको साफ सुथरी पत्तियां लग रही है, तो वो गमले में ही डाल दिया करो, वो फिर खाद बन जाएंगी। और अब गर्मी है, मल्चिंग का भी काम करेंगी, खाद भी बनेंगी, और ये समझ लो धीरे धीरे कंपोस्ट बन जाएगी वो आपके पौधों के लिए। बिल्कुल जंगलों वाला तरीका अपनाया करो, जंगल कितने हरे भरे होते हैं, है ना, कितनी हरियाली होती है, क्यों, क्योंकि वहां कोई पत्तियों को नहीं हटाता, मल्चिंग का भी काम करती है वो पत्तियां, खाद बनती रहती हैं। यही तरीका आप अपने गमले में अपनाया करो या कोई भी पौधा लगाते हुए। इसको भी हटा ही देती हूँ, इसको भी इसमें डाल देते हैं। बस ये हमने अब कटाई छटाई करके प्लांट लगा दिया है, और बस अब ये लग चुका है। और अब आपको दिखाती हूँ रिजल्ट जो मैंने सर्दियों में प्रूनिंग की थी। तो ये मेरा लैंटाना का पीला प्लांट है दोस्तों, वो था टमाटरी रेड कलर का, और इसमें आपने पिछले सीजन में खूब फूल देखे हैं, बहुत अच्छा लगता है ये। और सर्दियों में दोस्तों इसकी लैगी सी ब्रांचेस हो गई थी, सर्दियों में थोड़ी सी इसकी ग्रोथ रुक जाती है, फिर मैंने इसकी कटाई छटाई कर दी थी। अब ये देखो अपने घर वाले में कितनी अच्छी ग्रोथ आई है ना। और उस नर्सरी वाले प्लांट को भी हम ऐसे ही बना देंगे जैसे अपना ये चल रहा है। तो बस आपने यही बात माननी है, धीरे धीरे इसकी हल्की हल्की प्रूनिंग करते रहो, और फिर आपका प्लांट ऐसे ही बुशी हो जाएगा। और बिल्कुल ये छोटे से गमले में लगा हुआ है, और चारों तरफ से देखो इसने गमले को कैसे घेर लिया है ना, गमला तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, ये देखो है ना कितना अच्छा। तो बस यही तरीका आप अपनाओ अपने प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। जब भी आपको लगे, आप बहुत बार पूछते हो मेरा प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, तो भी हल्की सी प्रूनिंग कर दिया करो। अगर आपको लग रहा है कि इन लीव्स के बाद मेरे प्लांट की ग्रोथ रुक रही है, तो उस ब्रांच को हटा दो, कुछ पत्ते छोड़ के उसको हटा दिया करो, वहां से और ब्रांचेस निकलेंगी, फिर वो और ग्रो करेंगी। तो बस उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और बस चलते हैं गार्डन में और कुछ कुछ देख लेते हैं क्या क्या लगा हुआ है। बस अब भाई ये कैलनकोई के भी फूल सूख से गए हैं थोड़े, इनको भी मैं हटा देती हूँ, है ना, ड्राई से होने लग गए हैं अब, ये इतने फ्रेश नहीं लग रहे, कुछ हैं फ्रेश लेकिन कुछ बहुत ड्राई से हो गए हैं, उनको मैं हटा दूंगी। और इसी तरीके से मैंने आपको मैक्सिकन पेटूनिया लगाना सिखाया था, इसकी भी अगर आप कटाई छटाई करते रहोगे तो ये भी ऐसे घिर जाएगा, ऐसे आपका सदाबहार है। एक एक अगर आपकी डंडी है उसको कट कर दो, वहां से दो तीन ब्रांच निकलेंगी और आपका गमला पूरी तरीके से भर जाएगा। और जो भी दोस्तों सूखी पत्तियां आपके गार्डन में निकलती हैं, उनको मल्चिंग की तरह काम में लो। अगर आप प्लांट भी नहीं लगाना चाहते तो उनको अपनी मिट्टी के ऊपर कवर कर दो, वो कंपोस्ट भी बन जाएंगी, मल्चिंग का भी काम करेंगी, और उनमें पहले से ही ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, वो सूखने में भी टाइम लगेगा, है ना, तो आपके प्लांट सूखेंगे भी नहीं। और मल्चिंग के लिए भी मैंने सबसे बड़ी आइडिया बता ही रखा है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।